मित्रों नमस्कार, मैं मनोज लांबा, आपका टैक्स और फाइनेंशियल कोच। जी हां, आज हम बात करेंगे डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ डिसओनर ऑफ चेक। डिसओनर ऑफ चेक पहले सेक्शन 138 ऑफ इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस था। अभी भारत सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज लेके आई, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ आर्थिक सुधारों पर बल दिया गया। उन आर्थिक सुधारों में एक सुधार जो हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रपोज किए, वो था डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करने की बात उन्होंने की थी। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार एक पेपर लेके आई है, जिसे पब्लिक कमेंट के लिए रखा गया है, और उन सुझावों में 15 तरह के सेक्शन बताए गए हैं, 15 तरह की सिचुएशन बताई गई हैं, जिनमें वो अपराध अब क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस नहीं रहेंगे, उनका डिक्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा। सेक्शन 138 ऑफ इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील करता था चेक डिसओनर के केस से। चेक डिसओनर के केस में क्या पेनल्टी और सज़ा आपको हो सकती थी, पहले मैं ये बताऊंगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को अकाउंट पे चेक दिया है और वो अकाउंट पे चेक इस वजह से डिसओनर हो जाता है कि आपके अकाउंट में इनसफिशेंट बैलेंस था, तो ऐसे केस में चेक डिसओनर होने के लिए वो व्यक्ति आपके ऊपर मुकदमा चला सकता था, जिसके हाल जाने पर आपको 2 वर्ष तक की सज़ा, जितने अमाउंट का चेक था उससे दुगना जुर्माना, या दोनों हो सकते थे। जिसकी वजह से लोग बैंकिंग चैनल से जुड़ने हैं, किसी को चेक देने से या चेक के बाउंस हो जाने की वजह से बहुत घबराते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे ले जाने के लिए और अल्टीमेट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे ऑफेंसिव में क्रिमिनलाइजेशन अनिवार्य नहीं लगता था। तो मोदी सरकार ने इसके बारे में सोचा है और चेक के ऑफेंस को अब डिक्रिमिनलाइज्ड करने जा रही है, जिससे कि बिजनेस जगत में ऐसे लोगों को जिनके चेक किसी कारणवश, किसी समस्या की वजह से, आर्थिक कमी की वजह से विदाउट बैड और नल इंटेंशन डिसओनर हो जाते थे और जिसके कारण उन्हें जेल तक हो सकती थी, उसे डिक्रिमिनलाइजेशन करने का प्रावधान एक वेलकम स्टेप है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। इसके लिए आप पब्लिक कमेंट के लिए पेपर ओपन है, भारत सरकार को और भी सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह के ऑफेंसेस का डिक्रिमिनलाइजेशन किया जा सकता है और भारत में एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके हाथ साझा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण बिजनेस से जुड़ी जानकारियां भारत के कोने कोने तक पहुंचें। और इसी मुहिम में मनोज लांबा लगा हुआ है आपके साथ, और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लेके मैं आपके साथ आता रहूंगा लगातार। स्टे ट्यून विद टैक्स की पाठशाला। नमस्कार।